Hello, good morning students. Today we will study class 7 English and Alien Hand from Alien Handbook, chapter 8, The Bear Story. This is the story about bear, a lady and a cook. Three characters are there. The lady in the manor house had a bear as a pet. Ek lady hai. एक बिग स्टोन हाउस से बना हुआ घर है, वहाँ पर वो गस्त रहती हैं, एक पेट के साथ रहती है अपनी बियर. इट वॉज मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव वेजिटेबल्स एप्पल्स एंड हनी. ये बहुत ही फ्रेंडली बियर है और जो क्या खाता है, वेजिटेबल्स और एप्पल्स एंड हनी खाता है. ही रोम फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन चेन एट नाइट. वो दिन में ऐसे आराम से घूमता है और रात को उसको चेन से बांध दिया जाता है. देर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट. दिस लेडी हैड अ पेट बियर. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. एक बार एक बुढ़ी औरत रहती थी. कहाँ रहती थी? पत्थर के घर का है. मैनर हाउस मीन्स बोल सकते हैं आप पत्थर का एक बड़ा मकान, है ना. वहाँ वो रहती थी और किसके जंगल के किनारे में रहती थी. और लेडी के पास क्या था? एक पेट था बियर, और जिसको वो बहुत पसंद करती. फाउंड मीन्स पसंद करना. फाउंड इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर. सो small and helpless that it had to be bought up on the bottle by the lady and the cook. ये lady को ये जो bear था ये कहाँ मिला? जंगल में अधमरा मिला हुआ था बिल्कुल, है ना. भूख से वो मरने की स्थिति में था और वो इतना छोटा था कि वो खुद भी अपने उसको जो छोटे से उसको पाला था. एक on the bottle by the lady and the cook, उनके जो cook ने पाला था उसे. This was several years ago. ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय की दिनों की बात हो गई है, है ना. नाउ एंड नाउ इट हैज ग्रोन अप एट अ बिग बियर. और अब तो वो बिग बियर बन गया है बड़ा. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड आउट अवे बिटवीन हिज टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू. यदि वो इतना बड़ा हो गया है, यदि वो चाहे तो गाय को भी क्या कर सकता है, वो खा सकता है. मीन्स किल मार सकता है. किल स्नेल मीन्स किल मार सकता है. अपने दो पंजों के में रखते वो गाय को भी मार सकता है. वो इतना बड़ा हो गया है अभी वो. एंड कैरीड इट बिटवीन द टू पॉज इफ ही हैड वांटेड टू. यदि वो चाहे तो. बट ही डिड नॉट वांट टू. लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है. ही वॉज मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम of harming anybody. Amiable means a friendly bear है जो किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably and cattle grazing in the field nearby. वो क्या करता था? वो अपने कैनल के बाहर बैठा था. उसका घर जो है उसको कैनल बोल रहे हैं. उसके बाहर बैठा रहता था और अपनी आँखों से वो आसपास के जो जानवर हैं वहाँ ग्रेज कर रहे हैं, है ना, उनको वो देखता रहता था. द थ्री सैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल. और जो उनके पास तीन पोनीज मीन्स हॉर्स के बच्चे, तो उनके पास थे जो उसको बहुत अच्छे से जानते थे. एंड डिड नॉट माइंड इन एट लीस्ट वेन ही स्नफर्ड इन टू द स्टेबल. और जब वो स्टेबल में आता था वो, तो भी वो लोग उसको माइंड नहीं करते थे. द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड स्लीप इन हिज कैनल. और बच्चे जो थे उनको बहुत पसंद करते थे और उनके साथ उसके कैनल में ही सो जाते थे. बिटवीन हिज उसके पॉज में सो जाते थे. द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल द सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विथ हिम. और जो तीन डॉगीज थे वो उसके साथ बहुत अच्छे गेम्स वगैरह भी
खेला करते थे। पुलिस कभी उसके कान खींचते थे, कभी स्टम्प एंड उसको चिढ़ाते थे, स्टम्प ऑफ ए टेल मतलब छोटी पूछ वाला, ऐसा करके उसको टीज करते थे एंड टीज हिम एवरी वे और उसको चिढ़ाते रहते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द एटलीस्ट, लेकिन वो कभी भी इसको माइंड नहीं करता था। ये देखो है ना, डॉग्स हैं इसके साथ खेल रहे हैं देखिए, लेकिन वो कभी भी माइंड नहीं करता था। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. वो कभी भी बियर्स लोग तो मांस वगैरह खाते हैं, पर उसने कभी नहीं खाया और वो वही खाता था जो डॉग्स वगैरह खाते थे। कभी कभी तो उनकी प्लेट से ही खा लेता था, ब्रेड पोरेगी मीन्स दलिया वगैरह, पोटैटो आलू पत्ता गोभी टर्निप ये सब चीज़ें उनके साथ खा लेता था। He had a fine appetite and his friend The cook saw to it that he got his fill. और जो उसके दोस्त कुक था उसकी डाइट अच्छी थी, एपेटाइट मीन्स उसकी जो भूख थी वो बहुत अच्छी थी, और तो ये उसके जो कुक थे वो ध्यान रखते थे कि वो उसका भरपेट खाना खा सके वो। He ate the same food as a dog and often out of the same plate, bread पेरिग्री पोटैटो कैबेज टर्निप। और वो क्या था, एक ही प्लेट, वो मीट नहीं खाता था और वो जो डॉग लोग खाते थे वही खाता था, और इवन कभी कभी उनकी प्लेट से ही खा लिया करता था। ब्रेड खाता था, दलिया जैसे खाता था, आलू कैबेज टर्निप ये सब सब्जियां भी खाता था वो। ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ इट दैट ही गॉट हिज फिल। वो जो उसकी भूख जो थी वो बहुत अच्छी थी और कुक ये हमेशा ध्यान रखता था कि उसको भरपेट मिले। गॉट हिज फिल मीन्स एक फ्रेज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एट टू हिज फुल, उसको मतलब पूरे भरपेट है ना, एट टू हिज फिल, जब तक उसको भूख लगी तब तक वो खाता था। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस एंड द फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट। यदि वेजिटेरियन हो सकते हैं, यदि वो उनको चांस मिले और वो ही फूड खाए जो उनको पसंद है, उनको फूड दिया जाए तो। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद द विस्टफुल आइज एट द रिपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। वो क्या कर रहा था, जब पतझड़ का मौसम आता था, ऑटम सीजन पतझड़ का सीजन, वो क्या करता था, बाहर बैठ जाता था और देखता रहता था, विस्टफुल मीन्स ग्रीडी नज़रों से देखता रहता था कि पके हुए एप्पल्स को देखता रहता था कहाँ बगीचे की ओर। And his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them. वो क्या करता था, जब उसका वो बाहर जब वो छोटा था, कौन बियर जब छोटा था है ना, sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to handful of them. वो क्या करता था, जब वो छोटा था यंग था तो वो क्या करता था, अपने आप को रोक नहीं पाता था और वो कंट्रोल नहीं कर पाता था और पेड़ पे चढ़कर अपने आप के लिए वो हेल्प करता था, मीन्स अपने आप के लिए वो एप्पल्स लेकर खा लेता था। हैंड ऑफ देम मीन्स स्मॉल क्वान्टिटी, छोटे से वो फ्रूट्स ले ही लेता था, खा लेता। बियर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग बहुत ही सुस्त हैं, लेजी हैं है ना, भद्दे जैसे दिखते हैं बियर्स और स्लो भी हैं। लेकिन बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही हैड लर्न दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ सॉरी फाइंड आउट दैट ही कैन ईजली बीट एनी स्कूल बॉय। ऐसा तो बोला जाता है कि वो जो बियर है वो कैसे दिखते हैं, क्लमजी है, स्लो है अपने मूवमेंट में, लेकिन यदि आप उसको एप्पल ट्री के पास ले जाएंगे और उसको एप्पल दिखाएंगे तो वो उतना ही फास्ट हो जाएगा जैसे कि, और क्या है, वो ईजली बीट कर सकता है स्कूल बॉय को भी, वो हरा देगा गेम में। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। अब लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो वो जान गया है कि ऐसा उसको नहीं करना है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल इन टू द ग्राउंड। और वो ना हमेशा अपना
उसकी आंखें ध्यान रहता था कि क्या कोई एप्पल पका हुआ गिर रहा है करके, इस पे वो ध्यान रखता था। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बीहाइव्स, और वहाँ पर बीहाइव्स थे भी, वो भी उसको बहुत पसंद था। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाई बींग पुट ऑन चेन, और इसको जब भी कुछ शरारते करता था तो इसको पनिशमेंट भी मिलती थी, इसको चेन से बांध दिया जाता था 2-3 दिन के लिए। विद ब्लीडिंग नोज, उसकी नाक से खून बह रहा है, एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, फिर उसने कभी ऐसा दोबारा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन, और लेकिन उसको कभी चेन वेन में बांधना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी वो शरारते करता है तो उसको चेन से बांधना पड़ सकता है, एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइटली राइटली सो, और उसको कभी सिर्फ रात को ही चैन से बांधा जाता था, बाकी दिन में नहीं। फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन, एंड नो वंडर, और उसको क्या था, और उसको मतलब जैसे कुत्तों की तरह उसको बियर को भी बांधा जाना पसंद नहीं था, वो डॉग को इरिटेट होता था, वो पसंद नहीं करता था बियर बांधा जाना। क्लियर। ही वॉज पुट ऑन द चेन ऑन संडे व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक। इसको संडे के दिन भी चैन से बांध दिया जाता था, क्योंकि जो इसकी मालकिन थी वो दोपहर के समय अपनी बहन के पास उसके साथ समय बिताने के लिए जाया करती थी। एक सॉलिटरी मीन्स होता है लोनली हाउस ऑन द अदर, कहाँ पे, माउंटेन लेक के पास में, मतलब पहाड़ी झील है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर रहती थी तो वो उससे मिलने जाती थी। अ गुड आर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और बहुत दूर घने जंगल को पार करके जाना पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और ये मतलब बहुत मुश्किल होता था कि इतना दूर उसको ये क्या वो जाती थी, और महिला जो थी वो और उसने देखा कि उसको पसंद नहीं था कि वो उसके साथ आए उसके साथ। इट वॉज सपोज दैट टू बी गुड टू हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट टेम्पटेशन, इट वॉज बेटर टू बी सेफ साइड, ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन इन सच अ फ्राइट ऑफ ए सडन गस्ट ऑफ द विंड दैट ही हैड अपसेट द बोर्ड एंड ही, और क्या हुआ जब एक बार उसको लेकर गई थी वो, तो वो बहुत ही नाविक भी वो बहुत बेकार है, क्योंकि वो जब उसको बोट में लेके गए थे तो उसने क्या किया था, इतना डर गया था, टेकन सच्चा फ्राइट बोलना चाहिए, फ्राइट हो गया था एट अ सडन गस्ट, गस्ट मीन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे झोंका आया ऑफ द विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट, एक हवा का तेज झोंका आया और उसने जो क्या है जो बोट को हिला दिया, और क्योंकि ये भी डरा हुआ था और ये बियर अपना ना, तो ये भी गिरा और क्या हुआ, मिस्ट्रेस भी जो थी वो उनको तैर कर किनारे पे आना पड़ा। नाउ ही नो क्वाइट वेल दैट व्हाट इज मेंट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम, अब उसको पता चल गया था कि जब संडे के दिन उसकी मिस्ट्रेस उसको लेकर वहाँ नहीं जाती है और उसको चेन में बांध देती है। विथ अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और उसको अब उसके सर पे हाथ फेरते हुए और उसको एक प्रॉमिस करती है जब भी जाती है कि मैं आऊँगी तो तुमको एक एप्पल दूंगी। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग द हर एब्सेंस, और यदि वो उनके एब्सेंस में अच्छे से बिहेव करेगा तो वो आकर उसे एप्पल देंगी। ही वॉज सॉरी बट रीसाइन लाइक अ गुड डॉग, लेकिन उसको ये पसंद नहीं था, लेकिन वो मतलब आप बोल सकते हो लाचार होकर स्वीकार कर लेता है, रीसाइन मतलब होता है लाचार होकर स्वीकार कर लेना। लाइक ए गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम टू कांट कम विथ हर फॉर ए वॉक, जब उसकी किसी डॉग को कोई मालिक कहता है कि तुम्हें साथ घूमने मत आना, इस तरीके से वो मान जाता है लाचार होकर। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेंज्ड हिम अप एज यूजुअल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ द ट्री ब्रांचेज ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, शी लुक बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। बियर
लुक एज इफ यू मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे. अब यहाँ क्या हुआ, एक संडे को जब वो जा रही थी तो उसने देखा कि उसका जो डियर था उसने भी चैन को खोलकर उसके पीछे पीछे जंगल की ओर आ गया था. अचानक से उसको लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई आवाज आ रही है, पेड़ के पत्ते की चलने क्रैकिंग की आवाज आ रही है, वो टूटने की आवाज इस तरीके से कुछ आ रही है उसको आवाज, है ना. और जब वो पीछे मुड़ के देखती है, शी लुक बैक, तो वो एकदम घबरा जाती है ना, डरी हुई हो जाती है. उसने देखती है कि कौन है पीछे, बियर कमिंग है, वो उसका जो बियर है वो फुल स्पीड से आ रहा है. बियर्स लुक एज इफ मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्ट. और बियर ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो इतनी तेजी से चल रहा था कि शफल मीन्स यहाँ पर चलना, जोर से तेजी तेजी से चल रहा था, फास्टर देन द ट्रॉटिंग हॉर्स. और एक आप बोल सकते हो दौड़ते हुए हॉर्स से भी ज़्यादा तेज वो चल रहा था. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर पेंटिंग स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल्स. और वो एक थोड़े मिनट में देखा कि वो उसके पास हाँफते हुए दौड़ते हुए आके खड़ा हो गया. स्निफिंग मीन्स सूंघते हुए उसको आ गया. यूजुअल मीन्स नियत हो गया, इसका मतलब है टू टेक अप हिज प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, डॉग फैशन मतलब इसके जैसे कुत्ता करता है ना अपने मालिक के पास आके, उस तरीके से बिहाइंड हर इन एट हर हील्स मतलब बिहाइंड हर उसके पीछे पीछे. एट हर हील्स मतलब आप क्या बोलेंगे, उसके पीछे पीछे है, एट द स्टाइल ऑफ ए डॉग उसके पीछे पीछे. द लेडी वॉज वेरी एंग्री. अब वो जो लेडी थी वो बहुत देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्लेस अ डॉग फैशन एट हर हील्स. और जैसे डॉग स्लोक करते हैं स्टाइल ऑफ डॉग के तरीके से, और एट हर हील्स मतलब बिहाइंड हर उसके पीछे पीछे आ गया. द लेडी वॉज वेरी एंग्री. जो लेडी थी वो बहुत गुस्सा हुई. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर मच सी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच. देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम. शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विथ हर. एंड बिसाइड इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर. अब वो जो मिस्ट्रेस थी उसको ये भी नहीं पसंद था कि वो उसके साथ जाए, और वो बहुत गुस्से में थी कि उसने डिसोबे किया उनको. उनको उसको बोल के आई थी कि तुमको घर पे रहना है, और वो उसको और उनको लंच के लिए भी लेट हो रहा था. शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस मेंसिंग हिम विथ हर पैस्टोल्स. उसने क्या किया, मेंसिंग मीन्स थ्रेटनिंग, धमकाया उसको कि तुम जाओ वापस जाओ अभी तुरंत, और उसको अपने पैस्टोल्स में छतरी से डरा रही थी उसको, है ना. ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विथ हिज कनिंग आइज. वो एकदम उसको बहुत कनिंग आइज से उसको देख रहा था. वाई वेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज. उसको बहुत गुस्से से देख रही थी वो लेडी, और जब उसको लगा कि जो अपने गले में पहनते हैं स्कार्फ वो भी घूम गया उसको, तो उसको और गुस्सा आ रहा था. शी गॉट स्टिल मोर एंग एंड हिट हिम विथ अ नो ऑन द नोज विथ हर पैसरोल ऑन सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू टू. और उसको उन्होंने अपनी छतरी से उसको इतने जोर जोर से मारा कि उसकी छतरी भी दो भाग में टूट गई. ही स्टॉप्ड अगेन शुक हिज हेड एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स हैज ही वॉन्टेड टू से समथिंग. वो वहीं रुक गया और ऐसा लग रहा था कि वो अपना बार बार मुँह खोल रहा है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा हो. और उसको बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी बात नहीं मानी थी, और उसके जो कॉलर का जो कपड़ा था वो भी घूम गया, इसलिए वो बहुत गुस्सा कर रही थी, और जोर जोर से मारा कि उसकी छतरी भी टूट गई. और उनके और कुछ वो जो बियर जो था उसको अपना मुंह कई बार खोला, और मानो जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा है. और फिर क्या करता है वो, देन ही टर्न्ड राउंड एंड बिगेन टू शफल. और फिर वो रुका और वापस जाने क्या हुआ, वो रुका और थोड़ा रुक रुक कर जब वापस मुड़कर चला गया. और वो रुक रुक के पीछे मुड़ के क्या कर रहा था वो, बैक एंड ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ एंड देन ही लुक एट द लेडी टिल द लास्ट. और वो पीछे मुड़ मुड़कर उस लेडी को देखते जा रहा था जब तक कि वो उसकी आंखों से उछल नहीं हुई. When the lady came home in the evening, the bear was sitting
इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड द कैनल लुकिंग हर सॉरी फॉर हिमसेल्फ। अब वो जब जैसे वापस आई तो गंभीर अपनी जगह पे बैठा हुआ था कैनल के बाहर और ऐसा ऐसा लग रहा था उसको देखने से कि वो सॉरी फील कर रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड ही मोस्ट सीवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2-3 डेज। और वो लेडी बार बार गुस्सा हो रही थी उससे और उनसे कहा कि कठोरता से, बहुत सीवियरली मीन्स बोल सकते हैं, सीवियरली मीन्स कठोरता से बाहर की गुस्सा हुआ और उनसे कहा कि 2-3 दिनों तक इसको चेन से बांध के रखना है। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर हैज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट। और जैसे ही वो गुस्सा करती तो वो ओल्ड कुक था वो दौड़कर बाहर आ गया कि जैसे ऐसे मानो जैसे उनका बेटे को कोई डांट रहा है ना, किचन से दौड़कर बाहर आ गया। वेरी एंग्री, व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसयूज सेड द कुक, He has been as good as gold of the whole day. Bless him, बोले वो तो बहुत अच्छा है। उसका जो कुक था वो क्या बोला, आप इसको क्यों डांट रही हैं, बड़ी आप गुस्से से क्यों डांटना शुरू कर दिया आपने इसको। और वो दौड़ के रसोई से बाहर निकल कर आके उसे उसको बेटा जैसा मानता था तो उसने बोला आप क्यों डांट रही हैं इसको, इसको तो आशीर्वाद देना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। तो उसको बोला था कि और ये सारा दिन एक जैसे आप बोल सकते हैं एज अ गोल्ड एज होल डे। ब्लेस हिम वाज सिटिंग एज अ क्वाइट स्टिल और हिज हंचेस एज अ मीक एज एन एंजल। ये तो एक आप बोल सकते हैं एंजल की तरह बैठा हुआ था, देवदूत की तरह, एंजल बोलना चाहिए, देवदूत की तरह बैठा हुआ है कब से यहाँ पे और तक आपके आने का इंतजार कर रहा था। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। और पूरी इतने देर बैठ के और ये इसको डांटने की बजाय इसको आशीर्वाद देना चाहिए आपको। और ये तो पूरे देर जब से आया तब से यही सामने गेट न था दरवाजे की तरफ ही ये देख रहा है कि आपका वापस आएंगी। ये थी आपकी कहानी, अपनी बुक से आप इसको रीडिंग कीजिएगा।